हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक है, और मेरे साथ डॉक्टर सपना गुप्ता, जो भी एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। ये हम बता दें कि ये दोनों ही जो डॉक्टर है वो सीनियर डॉक्टर है आगरा के, और करीबन 12 साल हो गए आगरा में इनको डेंटिस्ट नहीं है और दांतों का इलाज करते करते। हमारे भारतीय लोग तो आते ही आते हैं और विदेशी लोग भी यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ दांतों को अपने चेकअप कराने आते हैं और कंटिन्यू आते रहते हैं। और अभी मैंने जैसे देखा, आप देख सकते हैं कि एक जो महिला जो थी अभी दांतों का चेकअप करा रही थी डॉक्टर सपना से, वो कि ईरान की रहने वाली थी। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सौरभ गुप्ता, दांतों के विषय में चर्चा करते हैं कि दांतों के जो रोग हैं उनके विषय में। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। आजकल जो दांतों की बीमारियों को लेकर परेशान है छोटे छोटे बच्चों में, कैविटी आ रही है, दांत खराब हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि दांत जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण बॉडी का पार्ट है जिसको लोग बहुत कम केयर करते हैं। दांत एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि बच्चों में आजकल दांतों की बीमारी हो रही है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, लाइक एसिडिक फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। तो देखा है कि छोटे छोटे बच्चे दांत उनके बिल्कुल खोखला हो जाते हैं, तो उनका मेन कारण क्या है? ये बच्चे जो कि जंक फूड लेते हैं, वो दांतों में जो मैदे वाली चीजें होती है वो दांतों में चिपक जाती हैं, और दांतों में चिपकते हुए बैक्टीरिया मतलब कैविटी बना देती हैं, जिससे कि दांत का जो कैल्शियम होता है वो डीकैल्सीफाई हो जाता है, और यही एक दांत को गला देती है, दांत काला पड़ जाता है, और इसी से दांतों में फिर आगे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखा है डॉक्टर साहब कि आजकल जो दांतों में टेढ़ापन आ रहा है, जो पहले जो नॉर्मली जो दांत होते थे वो वैसे दांत नहीं ला रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, टेढ़ापन के मेन कारण क्या है कि बच्चों के आजकल जो दांत निकलते हैं थोड़ा सा लेट निकलते हैं, लेट निकलने के बाद कभी कभी बच्चों के दांत जल्दी समय से पहले टूट जाते हैं, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं कि दांतों का ध्यान नहीं दे पाते हैं और दांतों पे जीव लगाते हैं, हाथ से प्रेस करते हैं, जिससे कि बच्चों के दांत किसी के आगे हो जाते हैं, किसी की क्राउटिंग हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और इसका एक मेजर जो कारण है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स भी हैं, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा फाइबरस फूड्स का इंटेक नहीं करते हैं, मतलब रेशेदार जो चीजें होती हैं जैसे हम फल और सब्जियां हैं उसको इतना नहीं खाते हैं, और मैदे की और जो स्टिकी जो चीजें हैं जैसे कि टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, उनका इंटेक बढ़ता जा रहा है, जो कि जंक फूड के रूप में बच्चे जो इतना ज्यादा इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो दांत होते हैं बेसिकली इनके जो गम्स होते हैं उनकी मजबूती भी खत्म होने लगती है, और जो हमारा जो पैटर्न है निकलने का, दांत पैटर्न जो निकलने का है वो यूजुअली इसी की वजह से, दिस इज वन ऑफ द रीजंस की जिसकी वजह से कि वो लेट होता जा रहा है, और दांत टेढ़े मेढ़े आना, उल्टे सीधे निकल आना, और बच्चे ध्यान ना देना, और इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। कैविटीज भी इसका एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है, क्योंकि जो फूड वो लोग लेते हैं, जो जंक फूड वो खाते हैं, उससे एसिडिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कैविटीज हुई, टेढ़े मेढ़े दांत हुए, उनकी जो रेट है, जो रेशियो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि हमने देखा है कि आजकल दांत तो खोखला हो ही रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए जो कि बच्चों के दांत खोखला ना हो और खराब ना हो? जब भी 6 मंथ्स का जो एक बेबी होता है उसमें सबसे पहला जो टूथ इरप्शन होता है वो 6 मंथ्स में होता है, तो हमें चाहिए, यूजुअली मैंने देखा है पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके, वो एक एक दो दो साल तक बच्चों को ब्रशिंग नहीं करवाते,
तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। आजकल हर कैटेगरी के बच्चे के लिए उसके साइज के हिसाब से टूथब्रशेस और टूथपेस्ट दोनों मौजूद हैं। तो आप अपने डेंटिस्ट से सलाह लें, हर 6 महीने पे जाकर के चेकअप करवाएं और कायदे से ब्रशिंग टेक्निक्स जो है उनका सही से पालन करें। और पहला दांत जब निकलता है हमें ब्रशिंग उसी दिन से स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं कि बच्चे के जब तक पूरे दूध के दांत आ गए आपने ब्रशिंग स्टार्ट नहीं करी। बच्चा खाएगा तो है और जमा भी होगा खाना, जब एक बार जमा होगा भरेगा तो कीड़ा लगेगा। अगर आप सफाई नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आगे आने वाले परमानेंट जो दांत होते हैं उन पे भी इसका इफेक्ट आता है। जैसे कि आपने बोला टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि दांतों में जल्दी निकल जाते हैं। दूध स्पेशली बच्चे जो दूध लेते हैं उनके लिए स्पेशल एहतियात बरतने की जरूरत है कि रात में जो बॉटल्स लगा के मदर्स सुला देती हैं ऐसा कभी ना करें, क्योंकि दूध में जो बेसिकली जो स्वीट कंटेंट होता है जो उसकी वजह से क्या होता है सारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो केरी जैसी होती है वो कीड़ा ऐसा होता है कि वो फैल जाता है। मतलब आपके एक में लगेगा उसमें खाना फंसेगा, आपको बगल वाले में भी लगेगा तो वो बढ़ता जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप। तो इसलिए बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें और ब्रशिंग बहुत प्रॉपरली कराएं। सुबह शाम मदर्स को देखना चाहिए कि वो अच्छे से उनकी ब्रशिंग करें। डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसके जैसे बड़ा बच्चा कोई है और उसके दांत बिल्कुल खोखला हो गए हैं और उसमें क्या ट्रीटमेंट रहता है आपकी तरफ से? देखिए बच्चों में सबसे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इनमें प्रॉपर ब्रशिंग करानी है और बच्चे सारा सबसे कम समय ब्रशिंग पे ही देते हैं। सुबह उठते हैं वो लेट उठते हैं और जल्दी जल्दी ब्रश करके रख देते हैं जिससे कि उनके दांतों में कैविटी हो जाती है और दांत खोखले हो जाते हैं। दांत अगर कैविटी हो गए, अगर हम इनिशियल स्टेज में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर 6 महीने में रेगुलर अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर डेंटिस्ट कहता है कि आपकी कैविटी है तो तुरंत फिलिंग करा लेनी चाहिए। फिलिंग सबसे बेस्ट स्टेज होती है, स्टार्टिंग में ही हम उसको दांत को बचा सकते हैं फिलिंग करके, कैविटी हटा के उसमें तुरंत फिलिंग कर देते हैं। अगर आप फिलिंग नहीं करा सकते हैं तो आगे फिर दांत और खोखला जाता है, बल्ब तक पहुंच जाता है जो कि दांत की नस कहते हैं हम, और अगर नस तक पहुंच जाता है तो रूट कैनाल करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर रूट कैनाल अगर आप वो भी स्टेज निकाल देते हैं तो फिर दांत हिलने लगता है और समय से पहले निकालना पड़ता है जिसकी वजह से दांत टेढ़े हो जाते हैं। ऐसा क्या ट्रीटमेंट देते हैं कि हिंदुस्तानी लोग तो आपके पास आते ही हैं कि विदेशी भी आपके दिमाग हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने जो भी डेंटल क्लिनिक के मानक हैं उसको अपनी अकॉर्डिंगली सारा सेट कराया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारा क्लिनिक मैंने जितनी बेस्ट टेक्निक हो सकती है वो सारी हमने लाए हैं और सारी टेक्निक हम यहाँ पे रीजनेबल रेट्स में देते हैं। फॉरेन में डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है जिसकी वजह से फॉरेनर यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। कि अगर आज इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होंगे तो वो एक इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा जरिया होते हैं। तो हम पूरी ये कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं डेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल करते हैं, यही एक रीज़न है। और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम यहाँ यूज़ करते हैं वो सब लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें कहीं भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनकी जो भी चीफ कंप्लेंट होती है, जो भी बेसिक प्रॉब्लम होती है उसको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बाहर से पेशेंट आता है उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है टाइम। तो टाइम मैनेज करके हम बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। बाकी बेस्ट क्लिनिक हमने कोशिश की है कि वी शुड वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक्स को हम इस तरीके से मेंटेन करें कि बाकी ऊपर वाले को छोड़ देते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। जैसा कि आपने देखा मेरे साथ डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर सपना गुप्ता जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, दांतों के चिकित्सक हैं, जैसा कि भारतीय तो भारतीय विदेशी भी डॉक्टर साहब के दीवाने हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने आते हैं। और बस देखा आपने कि क्लिनिक जो बताया हुआ है एक 5-स्टार क्लिनिक है जो कि शायद पूरे आगरा में डेंटिस्ट क्लिनिक ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। बस अपनी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। मैं लोधिया सुख राजपूत अर्थमिल। घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके गोयल पेंट्स ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं गोयल पेंट्स सुल्तानगंज के पुलिया बाईपास रोड आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।